हेलो गाइस, मैं चंपा आप लोगों के सामने रागिनी राधुनी किचन का नया डिश लेके फिर से हाजिर हुआ। आज जो मैं डिश दिखाने जा रही हूँ ये वेस्ट बंगाल का एक फेमस स्वीट डिश है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये ऑल टाइम ऑल सीजन ये सबका फेवरेट हुआ है, आज भी है, पहले भी थे, इन फ्यूचर भी ये सबका फेवरेट ही रहेगा। तो आइए ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग साथ में रहिए और ये वाला वीडियो आप लोग स्किप ना करके पूरा कंटिन्यूसली देखते रहिए, तब आप लोगों को पता चल जाएगा ये स्वीट जो है ये कैसे बनाया जाता है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और जो अभी तक हम लोगों को मतलब ये चैनल देखा है लेकिन सब्सक्राइब किया नहीं है तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए और ज़्यादा नहीं बकना है मुझे, आप लोग प्लीज़ 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 ये वीडियो देखते रहिए। गाइस, सबसे पहले मैं एक नारियल को 1/2 कर लिया है। अभी इसके बाद इसको ऐसे कोड़ लूँगी। आप लोग चाहो तो इसको छोटा छोटा करके मिक्सी में डाल के मिक्सी में भी क्रश कर सकते हो। दोस्तों देखिए, नारियल को मैंने क्रश कर लिया। अभी एक पैन ले लिया, पैन में नारियल को डाल दूंगी। उसके साथ अंदर से चीनी डाल रही हूँ। अभी थोड़ा सा पानी मिला दे रही हूँ। अभी इसको अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो इसके साथ थोड़ा सा मावा भी ऐड कर सकते हो। गाइस देखिए, नारियल हो गया है। आप लोग कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि नारियल हो गया? जैसे कि नारियल का एक स्मेल आ जाएगा पकने का, और ऊपर से देखिए ये थोड़ा सा चिपकू चिपकू, ये थोड़ा सा ना चिपकू चिपकू टाइप का लगेगा आपको, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ। अभी मैंने राइस लेकर राइस को भिगो के रखा था कुछ देर तक, और राइस अच्छे से भीग गया। अभी उसको पानी से उठा के, राइस को देखिए पानी से उठा के कुछ देर के लिए ऐसे रख दिया था। अभी मिक्सी में ये राइस को डाल दूंगी। इसके साथ मैंने काजू बादाम इतना सा डाल दे रही हूँ। उसके साथ 4-5 पीस इलायची डाल दे रही हूँ। उसके साथ दूध डाल दे रही हूँ। इसके साथ थोड़ा सा नमक भी डाल दे रही हूँ।
अभी मिक्सी का ढक्कन लगा के इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। गाइस देखिए घोल तैयार हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैं शुगर भी क्रश करके डाल रही हूँ। शुगर आप लोग जितना अंदाज से मीठा खाइएगा उतना ही डालिएगा। इसके साथ थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर रही हूँ। देखिए मैं छोटा बोल में दो बोल मैदा ऐड कर रही हूँ इसके साथ। फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी और थोड़ा सा मिल्क इसके साथ डाल दूँगी। गाइस देखिए बैटर मैंने तैयार कर लिया। बैटर जो है डोसा की बैटर जैसे बनाएगा लेकिन डोसा से थोड़ा सा और थिक इसको बनाइएगा। बैटर कम गाइस फ्राई पैन मैंने बिठा लिया और अच्छे से गर्म भी कर चुकी हूँ। अभी इसके ऊपर थोड़ा बटर डाल के चारों साइड घुमा दे रही हूँ। बटर ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा ही डालना है। उसके ऊपर जो घोल तैयार करके रखा था वो डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई पैन घुमा लूँगी ताकि चारों साइड फैल जाए घोल। आप लोग चाहे तो हाथ से ऐसे घुमा भी सकते हो जैसे डोसा बनाते हैं। देखिए ऐसे घुमा लीजिएगा। फिर उसके बाद जो मैंने नारियल का एक बना कर रखा था मिक्सचर वो थोड़ा सा डाल देंगे। फिर कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों अंदर से पक चुका है, अभी इसको ऐसे घुमा लेंगे, वन बाय वन पलटा मार देंगे। देखिए देखिए हो गया है। गाइस एक ही तरीके से मैं बाकी भी बना लूँगी। दोस्तों ये देखिए हो गया है।